In this problem, you are given that a disk which is initially at rest is moving with constant angular acceleration alpha. आपसे कहा गया है कि ये डिस्क 5 सेकंड में 50 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लेती है, तो इसका अल्फा और ओमेगा पूछा गया है. ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स. तो सबसे पहले तो हम इसमें अल्फा निकालने के लिए इक्वेशन लगा देते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. नो डेल्टा थीटा आपको क्या किसमें दे रखा है, एंगल कवर्ड किसमें दे रखा है, 50 रिवॉल्यूशन दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस में दे रखा है. इसको हम एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. 50 रिवॉल्यूशंस का मतलब हो गया 100 पाई रेडियन. एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई, सो 50 रिवॉल्यूशंस मतलब 100 पाई रेडियन. तो यहां पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 100 पाई इज इक्वल टू हाफ इनटू अल्फा, अल्फा निकालना है, इनटू टी स्क्वायर. टी इज 5 सेकंड्स, तो t स्क्वायर इज इनटू 25. 25 से ही 100 कैंसिल हो गया, 4 बचा. दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन. आपसे पूछा गया है इसकी एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स. तो हम इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट है 0 प्लस अल्फा आ गया आपका 8 पाई इनटू टाइम टी है 5 सेकंड्स. सो दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर सेकंड. तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स है 40 पाई रेडियन पर सेकंड. ये दोनों आपके आंसर्स हैं.